हेलो फ्रेंड, मैं हूं विवेक, इंस्ट्रक्टर बी आई टी सिंदरी। आइए आज हम लोग ईगल सॉफ्टवेयर में ओपेम का फुटप्रिंट और सिंबल डिजाइन करना सीखते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां से हम लोग ईगल सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। ये ऑटोडेस्क ईगल सॉफ्टवेयर है, इसमें हम लोग किसी भी डिजाइन करते हैं। ये फ्री वेयर है, तो इसको हम लोग डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। ओपन होने के बाद यहाँ हम लोग फाइल में जाएंगे और न्यू में जाएंगे और यहाँ लाइब्रेरी में क्लिक करेंगे तो हम लोग का इस तरह का विंडो खुलेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिंबल डिजाइन करेंगे, उसके बाद फुटप्रिंट डिजाइन करेंगे। 3D पैकेज को हम लोग छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ग्रिड को चेंज करेंगे, इसको हम लोग MM में लेंगे। MM, फिर यहाँ पे भी हम लोग 0.01 mm इसको लेंगे और यहाँ पे ऑन कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। पहले सिंबल डिजाइन करेंगे, तो ओपेम का सिंबल पहले हम लोग डाउनलोड कर लेंगे और उसका डायमेंशन भी डाउनलोड कर लेंगे। ओपेम का डेटा शीट गूगल से हम लोग डाउनलोड करके रखेंगे। तो देखिए, ये हम डाउनलोड करके रखे हैं। जो भी सिंबल डिजाइन करेंगे उसका हम लोग गूगल से डेटा शीट डाउनलोड करके रखेंगे, तो उससे हम लोग को डिजाइन करने में, उसका डायमेंशन लेने में इजी होगा। तो ये देखिए, हम ओपेम का डेटा शीट डाउनलोड करके रखे हैं। तो ये ओपेम का सिंबल है, इसी सिंबल को हम लोग पहले डिजाइन करेंगे, उसके बाद हम लोग फुटप्रिंट डिजाइन करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को डायमेंशन का जरूरत पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे डीप डुअल इन लाइन पैकेज ऐसी है ये, तो इसी को हम लोग डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे इसका डायमेंशन दिया हुआ है, तो ये चीज पहले डाउनलोड करके रख लेना है, उसके बाद हम लोग इसी डायमेंशन के अनुसार हम लोग फुटप्रिंट डिजाइन करेंगे। ये हम लोग का ओपेम का सिंबल है, तो इस सिंबल को जो है हम लोग अभी डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे एड सिंबल में क्लिक करेंगे और यहाँ पे नाम देंगे LM741, इसको ओके करेंगे, फिर यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद फिर इस तरह का विंडो खुलेगा, फिर हम लोग यहाँ पे ग्रिड पे क्लिक करके इसका स्केल को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे MM में कर देंगे इसको 0.01 mm, फिर यहाँ पे भी 0.01 mm, इसको ओके करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग लाइन है, तो इस लाइन को लेंगे और ये ओरिजिन से हम लोग राइट साइड इधर ड्रॉ करेंगे। इसका विड्थ को 0.4 लेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर हम लोग ये तिरछा वाला लाइन लेंगे, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ लाके क्लिक कर देंगे और कीबोर्ड में एस्केप प्रेस कर देंगे। अभी हम लोग विंडो राइट की प्रेस करेंगे और विंडो लेफ्ट की प्रेस करेंगे, हम लोग का यहाँ पे सिंबल, इसी तरह का सिंबल हम लोग को डिजाइन करना है। तो देखिए, यहाँ पे ये हम ट्रेंगुलर बना दिए हैं। अब यहाँ पे दो गो इनपुट देना है और एक आउटपुट देना है और सप्लाई के लिए देना है लाइन। तो यहाँ पे लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक
लाइन इस तरह देंगे और क्लिक करने के बाद इसे प्रेस कर देंगे कीबोर्ड पे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद कीबोर्ड पे इसे प्रेस करेंगे, दो इनपुट हो गया और यहाँ पे एक आउटपुट के लिए लाइन इस तरह खींच देंगे, फिर इसके प्रेस करेंगे और एक सप्लाई के लिए होगा, फिर इसको इसके प्रेस करेंगे, फिर यहां से हम लोग एक लाइन खींचेंगे, इसको इसके प्रेस करेंगे। तो देखिए ये हम लोग का सिंबल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक चिन्ह देंगे माइनस और एक प्लस, तो इसका विड्थ को हम कम कर देते हैं 0.1 लिख के, यहाँ पे एक माइनस का लाइन खींच देंगे, तो इसके प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे एक प्लस का लाइन खींच देंगे, इसको प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पे ये माइनस हो गया और ये प्लस। अब इसमें हम लोग नेम देंगे, तो टेक्स्ट यहाँ पे ए है, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्रेटर देन लिखेंगे और यहाँ पे नेम लिख देंगे और इसको ओके करेंगे और यहाँ पे लाके इसको क्लिक कर देंगे, फिर कीबोर्ड में एस्केप प्रेस करेंगे, फिर हम लोग इसका वैल्यू देंगे, इसको ओके करेंगे, वैल्यू को हम लोग यहाँ मिडिल में देंगे, इसको एस्केप प्रेस कर देंगे और कैंसिल कर देंगे। तो ये हम लोग का सिंबल हो गया। अब इसमें हम लोग कनेक्शन करने के लिए पिन कनेक्ट करेंगे, तो पिन को हम लोग यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट करते जाएंगे, इसको रोटेट करने के लिए राइट माउस का राइट क्लिक को क्लिक करेंगे, और जूम करने के लिए स्क्रॉल को रोटेट करेंगे तो वो जूम हो जाएगा, इसको इस तरह से कनेक्शन कर लेंगे, साथ एस्केप प्रेस करके इसको रिमूव कर देंगे। अब इस लाइन को हम लोग थोड़ा शॉर्ट आउट करेंगे और ये जो गार्बेज दिख रहा है इसको भी रिमूव करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ इन्फो में प्रेस करेंगे और इसमें जाके माउस में राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे देंगे पिन नंबर, ये है 2, इसको 2 लिख देंगे और यहाँ लेंथ पे इसको शॉर्ट कर देंगे और यहाँ पे विजिबल पे यहाँ पे ऑफ कर देंगे और इसको अप्लाई कर देंगे और ओके करेंगे। फिर वैसे ही हम लोग इस पिन को भी यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ये पिन नंबर 3 होगा और यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और इसको ऑफ करेंगे और अप्लाई करेंगे ओके। ये पिन नंबर 2, ये 3 है और यहाँ पे पिन नंबर 6 होगा, आउटपुट में पिन नंबर देखिए यहाँ पे ये आईसी जो है पिन नंबर 1 पे कुछ नहीं कनेक्ट है और पिन नंबर 2 पे इन्वर्टिंग इनपुट माइनस वाला है, पिन नंबर 3 पे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और पिन नंबर 4 पे माइनस VCC और पिन नंबर 7 पे प्लस VCC और पिन नंबर 6 पे आउटपुट। तो यहाँ पे हम लोग इसको पिन नंबर 2, इसको 3 और इसको पिन नंबर 4 देंगे, तो यहाँ पे इसको फिर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे
और इसको पिन नंबर 4, और यहाँ पे लेंथ पे शॉर्ट करेंगे, फिर इसको यहाँ से ऑफ करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। इसको भी हम लोग राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इसको पिन नंबर 7 यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, और यहाँ ऑफ अप्लाई ओके। और ये पिन नंबर 6 होगा, इसको प्रॉपर्टीज में जा करके यहाँ पे पिन नंबर 6 मिडिल को शॉर्ट कर देंगे, और यहाँ पे ऑफ करके अप्लाई कर देंगे। तो ये हम लोग का ओपेम का सिंबल डिजाइन हो गया। तो अब हम लोग इसको यहाँ पे सेव करेंगे, और यहाँ पे नाम देंगे LM741, इसको सेव कर देंगे। अब ये हम लोग का देखिए, ये सिंबल हम लोग डिजाइन किए। अब फिर हम लोग फुटप्रिंट में जाएंगे और इसका फुटप्रिंट डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे फुटप्रिंट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे नाम देंगे LM741, इसको ओके करेंगे, और यहाँ से यस कर देंगे। तो इस तरह का विंडो खुलेगा। फिर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ग्रिड को चेंज करेंगे, इसको mm में कर देंगे, इसका वैल्यू देंगे 0.01 mm। फिर यहाँ पे भी mm में करके वैल्यू इंटर करेंगे 0.01 mm, इसको ओके कर देंगे। अब सबसे पहले हम लोग ये डीप आईसी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डीप आईसी, डुअल इन लाइन पैकेज आईसी। तो दोनों साइड पिन है, तो हम लोग इसका अब डायमेंशन को देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इसका डायमेंशन है, तो इसमें एक साइड 4 पिन है और एक साइड 4 पिन है, तो ये टोटल 8 पिन का आईसी है। तो यहाँ पे हम लोग 8 यहाँ से पैड लेंगे, 8 गो पैड लेंगे। तो एक पैड हम लोग ओरिजिन पे रखेंगे, इस तरह करके 4 गो पैड लिए, अब एस्केप प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो पैड है, इसका ड्रिल साइज यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। तो इसका ड्रिल साइज होना चाहिए 0.53 mm या 0.38 mm। तो अभी हम लोग लेंगे 0.6 mm, तो इसका ड्रिल साइज हम लोग ले लेंगे 0.6 mm। तो यहाँ पे इन्फो में क्लिक करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, और प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और यहाँ पे पिन नंबर 1 देंगे, और इसका पोजीशन को 0 कर देंगे, और इसका डायमीटर को 1.27, और ड्रिल साइज 0.6 mm, और यहाँ से अप्लाई कर देंगे और ओके करेंगे। फिर हम लोग अब देखिए इस पिन से इस पिन का डिस्टेंस कितना है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इस जगह पे, तो इसका 2.54 mm है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा 2.54 mm। तो इसको राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और यहाँ पे पिन नंबर 2, और यहाँ पे पोजीशन पे इंटर करेंगे 2.54 mm, और यहाँ पे y को 0 कर देंगे, और यहाँ पे डायमीटर में 1.27 और ड्रिल 0.6 mm को अप्लाई कर देंगे और ओके करेंगे। फिर इसी तरह हम लोग इसका भी पिन को चेंज करेंगे, तो प्रॉपर्टीज में जाएंगे, पिन नंबर 3 करेंगे, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 2.5 mm, फिर इसको 2.5 mm ऐड करेंगे,
5.08, तो यहाँ पे 5.08 mm होगा और यहाँ पे हम लोग इंटर करेंगे 0 और डायमीटर 1.27, ड्रिल 0.6, इसको अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। फिर थर्ड वाला पिन को भी चेंज करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इसको फोर्थ वाला पिन को भी चेंज करके पिन नंबर 4 देंगे और यहाँ पे 0 और यहाँ पे टोटल लेंथ हो जाएगा 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5, तो इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा 7.62। तो यहाँ पे इंटर करेंगे 7.62 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1.27, इसको ड्रिल साइज 0.6 mm, अप्लाई, ओके। तो ये हम लोग का 4 पिन को हम लोग इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। अब ये फिफ्थ पिन जो है इस पर भी राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंटर करेंगे फिफ्थ और यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू देंगे, पोजीशन जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका विड्थ जो है एक है 8.26 और दूसरा है 7.62 mm, तो हम लोग इस साइज को लेंगे 7.62 mm को। तो यहाँ से जो ये लेग है, ये लेग हम लोग का कहाँ पे इंसर्ट होगा, तो इसको हम लोग लेते हैं 7.62, तो यहाँ पे इंटर करेंगे 7.62 और यहाँ पे भी हम लोग इंटर करेंगे 7.62 और अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। फिर इसको हम लोग इसका वैल्यू को चेंज करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे पिन 6 और यहाँ पे हम लोग अब ये लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक का ये 7.62 है और ये डिस्टेंस जो है अब हम लोग का घटते जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे हम लोग देंगे 7.62 और ये वैल्यू हो जाएगा 5.08, इसका डायमीटर हो जाएगा 1.27, अप्लाई, यहाँ पे होगा 5.08 और ये वाला वैल्यू हो जाएगा 7.62। ये हम लोग का यहाँ पे वैल्यू 7.62 ही रहेगा, तो अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। फिर इसका वैल्यू चेंज करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे 7, इसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे 7.62 और यहाँ पे हम लोग का वैल्यू जो होगा 2.54 mm और इसका वैल्यू आ जाएगा 1.27 को अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। फिर इसको हम लोग क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे देंगे पिन नंबर 8, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7.62 और यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे 1.27, अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। तो इसी तरह से हम लोग सारे पिन को डिजाइन कर लेंगे।
अब इसमें हम लोग का कौन सा पिन नंबर वन है वो नहीं पता चलेगा, तो हम लोग इसमें एक फुटप्रिंट लगाएंगे जिससे हम लोग को पता चलेगा कि इसका पिन नंबर इधर है, पिन नंबर टू इधर है। तो अब हम लोग इसका यहाँ पे ग्रिड को चेंज करेंगे, वन यहाँ पे भी वन को ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका जो है आईसी का टोटल यहाँ पे लेंथ है 9.02, अगर ऊपर वाला लेते हैं तो 10.16, और विड्थ जो है वो 6.60 या 6.10। तो हम लोग विड्थ जो है 9 लेते हैं, इसके अनुसार 8.26 के अनुसार 9 लेते हैं, और इसको हम लोग टोटल लेंथ 11 लेते हैं। अब यहाँ पे लाके हम लोग इसको इसके ऊपर रख देंगे। तो लाइन पे क्लिक करेंगे और हम लोग इधर से गारो लाइन जाएंगे, से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर ऐसे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट हो गया, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ आके क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर एक हम लोग तिरछा लाइन ले लेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ आके क्लिक कर देंगे और इसको प्रेस करेंगे। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे ग्रुप ग्रुप पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर मूव में क्लिक करेंगे और इसको राइट क्लिक करके मूव ग्रुप कर देंगे, यहाँ पे लाके इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो और यहाँ से हम लोग इसका ग्रेटर देन लेकर के नेम और फिर इसका वैल्यू को वैल्यू लिख देंगे, ये हम लोग का फुटप्रिंट डिजाइन हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे ग्रिड चेंज कर देंगे 0.01, फिर 0.01 mm, ओके कर देंगे। तो ये हम लोग का फुटप्रिंट डिजाइन हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ से सेव कर देंगे। सेव होने के बाद फिर हम लोग अब इन दोनों का सिंबल और फुटप्रिंट दोनों का पिन पिन को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ डिवाइस में जाएंगे और यहाँ पे नेम नेम दे देंगे LM741 को, तो ओके करेंगे, यहाँ से यस कर देंगे। अब पहले हम लोग यहाँ पे ग्रिड को चेंज करेंगे, एमएम में कर देंगे 0.01 mm, फिर यहाँ पे भी ग्रिड को चेंज करके 0.01 mm इंटर करेंगे और यहाँ पे ऑन करेंगे और ओके करेंगे। अब यहाँ पे एड पार्ट में जाकर के क्लिक करेंगे, जो सिंबल हम लोग डिजाइन किए थे वो यहाँ पे आएगा, इसको ओके करेंगे और ये ओरिजिन से हम लोग इसको राइट हैंड साइड में रखेंगे यहाँ पे, फिर इसको स्केप प्रेस कर देंगे और यहां से कैंसिल कर लेंगे। अब हम लोग
जो फुटप्रिंट डिजाइन किए थे उसको लाना है। तो यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे और एड लोकल पैकेज करेंगे और जो सिंबल हम लोग डिजाइन किए थे वो यहाँ पे आएगा, उसको ओके करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इन इसका पिन नंबर और इसका पिन नंबर दोनों को कनेक्ट करना है। इसका पिन नंबर टू इसके पिन नंबर टू से कनेक्ट होगा, पिन नंबर थ्री से, और पिन नंबर सिक्स पिन नंबर सिक्स से। तो यहाँ पे कनेक्ट लिखा हुआ है, इसको कनेक्ट को क्लिक करेंगे और इसको हम लोग यहाँ से कनेक्ट को यहाँ से कनेक्ट करते जाएंगे, इसको क्लिक करते जाएंगे तो ये कनेक्ट होते जाएगा। अब यहाँ से ओके कर देंगे। अब यहाँ पे प्रीफिक्स में जाएंगे और इसका नेम दे देंगे LM741, इसको ओके कर देंगे और यहां से इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसको हम लोग यहां से मिनिमाइज कर देंगे। अब यहाँ पे फाइल में जाएंगे, न्यू में क्लिक करेंगे और सीमेटिक में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग एड पार्ट में जाएंगे और हम लोग जो डिजाइन किए थे उसको यहाँ पे सर्च करेंगे। अगर यहाँ पे एड हुआ है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग को इसको एड करना पड़ेगा। LM741 नाम से हम लोग सेव किए थे, LM, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे ओपन लाइब्रेरी में जाएंगे, अवेलेबल में क्लिक करेंगे, ब्राउज करेंगे और देखिए ये हम लोग का यहाँ पे LM741 यहाँ पे है, तो ओपन करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे LM741 क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से यूज कर देंगे तो अब ये हम लोग का लाइब्रेरी में आ जाएगा, इन यूज लिस्ट में ये आ जाएगा। अब इसको क्लोज करके फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये हम लोग का लाइब्रेरी में ऐड हो गया। अब इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे LM741 पे क्लिक करेंगे तो जो डिजाइन हम लोग किए थे वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको ओके करेंगे और यहाँ पे तो देखिए अभी हम लोग दो गो ओपन लिए हैं तो LM1 LM2 करके यहाँ पे आ रहा है और इसका LM741 यहाँ पे आ रहा है। अब इसको अगर हम लोग बोर्ड फाइल जनरेट करेंगे तो यहाँ पे बोर्ड फाइल में क्लिक करेंगे, यस करेंगे, इसको मूव में प्रेस करेंगे और इसको यहाँ पे लाएंगे तो देखिए इस तरह का हम लोग का फुटप्रिंट दिखेगा और इसको मैन्युफैक्चरर में क्लिक करके हम लोग इसका के तो ये जो है बोर्ड फाइल में इसी तरह का प्रिंट होगा। इस तरह से ये दिखेगा LM741 LM करके, इस तरह से हम लोग का ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में इसी तरह से ये दिखेगा। तो वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।